प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर दी गई है। सरकंडा में कृषि महाविद्यालय सभागार में कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़कर किसानों ने प्रधानमंत्री को सुना। इस अवसर पर किसान युवाओं के लिए 1.25 लाख पीएम समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने के अवसर पर सरकंडा स्थित कृषि महाविद्यालय में हुए वर्चुअल कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और विधायक रजनीत सिंह शामिल हुए। यहां उपस्थित स्थानीय किसानों ने प्रधानमंत्री को सुना। 14वीं किस्त के रूप में जारी की गई राशि से प्रदेश के 20 लाख किसान लाभान्वित हुए। विधायक कौशिक ने कहा कि देश के किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रयासरत है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1.25 लाख समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया। गांव ब्लॉक स्तर पर बनाए इन केंद्रों से कोई भी किसान कृषि संबंधी जानकारी और समस्या का समाधान पा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी निश्चित ही पीएम की योजना सराहनीय है और इससे किसानों को लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि किसान अब और ज्यादा खुशहाल होते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र और भाजपा नेता की बातों को गंभीरता से सुना। किसानों की योजनाओं का पूरा लाभ मिले और किसान सम्मान निधि में शामिल होकर अपना हक पाए। कार्यक्रम में किसानों के अलावा इंदिरा कृषि महाविद्यालय के डीन आरकेएस तिवारी के मार्गदर्शन में तकनीकी शास्त्र में डॉक्टर शिल्पा कौशिक ने प्राकृतिक खेती पर अपने विचार रखे। इस तरह डॉक्टर अमित शुक्ला ने उद्योगिकी, उद्यान और अन्य मुद्दों पर बात की, जबकि डॉक्टर निवेदिता पाठक ने श्री अन्न और कृषि से संबंधित मुद्दों पर विचार किया। वहीं डॉक्टर दुष्यंत कौशिक ने कीट व्यापी और अपना व्याख्यान दिया। इस अवसर पर किसानों समेत कॉलेज के प्रोफेसर मौजूद रहे। पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान सम्मान निधि 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17 करोड़ रुपए आज डाली गई है। 14वीं किस्त की राशि आज रिलीज की गई। यदि हम पूरे राशियों का देखेंगे कि अभी तक किसानों को कितनी राशि मिली है, तो 2,60,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसानों को अभी तक दी गई है। इसमें 20 लाख छत्तीसगढ़ के किसानों को भी प्राप्त हो रही है। साथ ही इसके कि यहाँ पर जो पोर्टल, जो यहाँ पर 1,25,000 हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का आज विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। आगे बड़ी योजना है किसी हमारे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने का, और ख़ास करके हमारे जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार बंधु हैं, जो कुछ रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक सुनहरा अवसर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज लॉन्च की गई है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हम